हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल सर्कलाज के बारे में। ये सर्वाइकल सर्कलाज क्या होता है और क्यों किया जाता है, किन कंडीशन में डॉक्टर आपको बोलते हैं ये करवाने के लिए, और क्या इसमें पेन होता है या नहीं होता है, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो चलिए, जैसे कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं सर्वाइकल सर्कलाज, सर्कलाज का मतलब होता है सर्किल। तो इसमें क्या किया जाता है, आपका जो यूट्रस होता है, आपकी जो बच्चेदानी होती है, उसका जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। जब आपका ये सर्विक्स कमज़ोर होता है, ये हम इसको सर्विक्स बोलते हैं। जब जो हमारे यूट्रस का जो मुंह होता है, बच्चेदानी का मुंह, वो जब कमज़ोर होता है तो हमारे बेबी का वेट वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से हमें ये प्रोसेस करवाना होता है। इसको सर्वाइकल सर्कलाज या सर्विक्स स्टिचेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं एक यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप जान पाएँ कि सर्विक्स कैसा होता है, क्या दिखता है, वो कैसा दिखता है। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो आपको लगा दूंगी, उससे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये क्यों किया जाता है। तो अगर आपका शॉर्ट सर्विक्स है, जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें एक हमारे सर्विक्स की लेंथ लिखी हुई होती है। आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि उसमें एक सर्विक्स की लेंथ लिखी होती है। वो अगर आपकी 3 से कम होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी के 2रे या 3रे 4थे महीने में अगर वो 3 से कम होती है, तो उसको हम शॉर्ट सर्विक्स बोलते हैं। जिसका शॉर्ट सर्विक्स होता है, जब बेबी का वज़न बढ़ता जाएगा, हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, तो हमारा जो यूट्रस जो है, जब उसमें बेबी का वज़न बढ़ेगा तो सर्विक्स होल्ड नहीं कर पाएगा ज़्यादा टाइम तक बेबी को, और उससे आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज या फिर प्रीटर्म बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर हमें ये प्रोसेस कराने के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर आपको शॉर्ट, किस किस परिस्थिति में आपको डॉक्टर बोलते हैं ये कराने के लिए, अगर आपको शॉर्ट सर्विक्स है तो आपको डॉक्टर ये प्रोसेस के लिए बोलते हैं। अगर आपका ट्विंस प्रेगनेंसी है तो भी आपको डॉक्टर ये इसके लिए बोलते हैं, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में आपका वही सेम होता है कि हमारी बच्चेदानी जब बेबी बढ़ेगा, उसका वज़न ज़्यादा होगा, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और वो जल्दी ओपन हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर हमें ये टाका लगवाने के लिए, बच्चेदानी का टाका इसको बोलते हैं, ये कराने के लिए हमें सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे ये प्रोसेस करने के लिए डॉक्टर ने क्यों सजेस्ट किया था। मेरा जो है वो सर्विक्स स्टिचेस हुआ था, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ, वो क्यों मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और वो क्या होता है, कैसे हुआ मेरे साथ। तो जब मेरा बेबी का हार्ट बीट के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसमें बेबी की हार्ट बीट का हमें पता चलता है कि आपके बेबी की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, उसी टाइम डॉक्टर ने बोला था कि आपकी बेबी की हार्ट बीट अच्छे से आ गई है, बट आपका जो है सेप्टेड यूट्रस है। सेप्टेड यूट्रस में क्या होता है कि आपका जो यूट्रस होता है उसमें एक टिश्यू होता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आपकी बच्चेदानी में एक पर्दा होता है। सेप्टेड यूट्रस आपका पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगी, आप उसको देख सकते हैं कि हमारा पार्शियल सेप्टेड यूट्रस और कंप्लीट सेप्टेड यूट्रस कैसा होता है। तो जब मेरा सेप्टेड यूट्रस था तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ये प्रोसेस कराना पड़ेगा, सर्विक्स स्टिचेज आपको कराना पड़ेगा। हमें क्या होता है, हमें नहीं पता होता, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिसको नहीं पता होता कि सर्विक्स स्टिचेस या फिर सर्विकल सर्कलाज क्या होता है, कैसे होता है ये प्रोसेस, तो हमें नहीं पता होता। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे सेप्टेड यूट्रस जैसा भी कुछ होता है। जब मुझे बोला डॉक्टर ने कि सेप्टेड यूट्रस है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि शायद अगर आपका साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बिल्कुल डर ना लगे, आप बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फिर हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर हमें पता होगा कि ऐसा भी कुछ होता है तो हम ज़्यादा डरेंगे नहीं और उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम अपनी वीडियो पर आते हैं। तो जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ये कराना होगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था, बट डॉक्टर ने फिर मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब मेरा 3rd मंथ कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद डॉक्टर ये प्रोसेस करेंगे। तो फिर मेरा जब 3rd मंथ कंप्लीट होने वाला, उससे पहले ही हमारा एंटी स्कैन हो जाता है। वो आपको 11 से 13 हफ्ते में एक एंटी स्कैन कराना होता है। तो मेरा एक एंटी स्कैन हुआ,
फिर मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ, उसको डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं, वो मेरा टेस्ट हुआ। उसकी मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई, बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं थी, बट क्योंकि मेरा सेप्टेड यूट्रस था तो इसलिए मुझे ये सर्विक्स स्टिचेस लगवाना था। डॉक्टर ने फिर मुझे एक डेट दिया, डॉक्टर आपको एक डेट दे देते हैं कि आपको इस दिन आना है और आपको ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया और हमारा ये प्रोसेस हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि यह क्या ये पेनफुल होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है, मुझे ऐसा कुछ पेन नहीं हुआ था। डॉक्टर ने मॉर्निंग में हमें आने के लिए बोला था, 7 बजे या 6 बजे ऐसा कुछ आने के लिए बोला था। हम उसी टाइम डॉक्टर के पास चले गए, हम वहाँ हॉस्पिटल में गए। वो आपको अपने जो होता है एक गाउन दे देते हैं, अपना हॉस्पिटल का जो एक गाउन होता है आपको चेंज करना होता है। आपको चेंज करने के बाद वो आपको आपके हाथ में एक वो सुई लगा देते हैं जिसके थ्रू आपको बोतल लग जाती है, ग्लूकोज आपको चढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें, वो आपको एक लगा देते हैं। और उसके बाद आपको ओटी में लेके जाते हैं। प्रोसेस जो होता है बहुत ही छोटा होता है, बट आपको ओटी में लेके जाते हैं और वहाँ पे आपको एक जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। जब आपको जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे पता नहीं रहता है, आपको कुछ पेन महसूस नहीं होता। तो इसमें आपको ऐसा कुछ भी पेन नहीं होता है। फिर जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद वो अपना प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस में आपको, मुझे लगता है कि वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो प्रोसेस हो जाता होगा, क्योंकि मैं बेहोश थी तो मुझे ऐसे नहीं पता। तो मुझे बिल्कुल भी पेन का नहीं पता चला था कि इसमें पेन होता है कि नहीं होता है, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं पता था क्योंकि मैं बेहोश थी। और उसके बाद क्या होता है, वो आपको एक रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देते हैं और आपको 4 से 5 घंटे या फिर 6 घंटे, या किसी किसी को वो ओवरनाइट भी हॉस्पिटल में रख सकते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसके बाद, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके बेबी को या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए आपको वो एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रख सकते हैं। मुझे उन्होंने 6 घंटे के लिए, शायद 5 से 6 घंटे के लिए मुझे हॉस्पिटल में रखा था और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। तो इस प्रोसेस में आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आपको इसके बाद, इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस हो जाने के बाद हमें कुछ थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि ये प्रोसेस होने के बाद हमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई थी, मुझे तो हल्की फुल्की ही, मतलब थोड़ी सी ही स्पॉटिंग जैसे थी। उसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होता है, प्रोसेस हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होता है कि आपको अपने नीचे का जो आपका बॉडी पार्ट्स होता है उस पर आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना होता है। आपको बहुत सारा पानी पीना होता है ताकि आपको जो है कब्ज की ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आपको स्टूल पास करने में आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे तो वो आपको उस पर, टाखों पे आपके असर पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत सारा पानी पीना है, अपना ध्यान रखना है। जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं उसके लिए वो आपको खा लेनी है, उसके बाद आपको कुछ पेन नहीं होगा। आपको बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रखना है, 2-3 दिन या जितने भी दिन आपको डॉक्टर बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको 1 वीक तक कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, ज़्यादा नहीं चलना है। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, 3-4 दिन अगर आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसमें ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा पेन आपको बाद में होता है बट वो इतना नहीं होता कि आप उसको बर्दाश्त ना कर पाएँ। तो आपको इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ना डरें। अगर आपको डॉक्टर ने ये प्रोसेस सजेस्ट किया है तो आप ये प्रोसेस बिल्कुल करा लें। मेरा भी 34 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, मुझे अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, मेरे बेबी की ग्रोथ बिल्कुल अच्छे से है और मेरा सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अगर आपको भी डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये प्रोसेस ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टिचेस लगने के बाद आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आपका बेबी प्रीटर्म ना हो, आपकी फुल टर्म प्रेगनेंसी पहुँच जाए। तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करा लेना चाहिए, इसमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा 34 वीक है तो मेरा स्टिचेस अभी नहीं निकला है। आई थिंक वो 36 या 37 वीक पे ये स्टिचेस को निकालते हैं,
तो जब मेरा स्टिचेस निकल जाएगा तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। अगर आप में से कोई है जिसके साथ ये प्रोसेस हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये स्टिचेस कब निकलते हैं और स्टिचेस निकलने के बाद आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई थी या फिर आपका ऑपरेशन हुआ था या फिर उसके बाद क्या क्या होता है और कैसे ये प्रोसेस होता है। अगर आप में से किसी के साथ ये हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उससे मुझे हेल्प मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि अगर किसी का ये प्रोसेस होना है या कोई प्रेग्नेंट है तो उसको ये पहले से पता हो कि ऐसा कुछ होता है तो वो ज़्यादा डरे ना। और बस इसी के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए और खूब सारा पानी पीजिए।